Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter number 13, motion and time, with the topic graphical representation of motion. In the previous video, we had discussed about the uniform and non-uniform motion. Today we will discuss its graphical representation. So first of all, we will revise uniform and non-uniform motion. Uniform motion kya tha ki jab ek object equal distance, equal interval of time ke andar cover karta hai, to hum kya kehte hain ki that object is moving with uniform or constant speed or the object is in uniform motion. And second thing, non-uniform motion. Non-uniform motion ke andar humne kya kaha tha, that object is moving with unequal distance in equal interval of time or changing speed. That's why this is called as non-uniform motion. अब बात करते हैं graphical representation की. अब जो graphical representation है वो हम यहाँ कौन सा graph discuss कर रहे हैं, that is distance time graph, जो हमें क्या बताता है कि कितनी distance travel की है with respect to time उस moving object ने. तो सबसे पहले हम बात करते हैं uniform speed की और constant speed की. जब एक object equal distance, equal interval of time के अंदर cover करता है तो हम क्या कहते हैं कि that is moving with uniform speed और a constant speed. तो यहाँ जो distance traveled होता है वो directly proportional होता है time के. तो इस टाइम जो ग्राफ बनता है जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो उसका उस टाइप का जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसा कि आपका फिगर नंबर 4 के अंदर दिखाया हुआ. अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं उसका जो स्लोप होता है, जो स्लेंट होती है, वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है, दैट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब अगर वो उसका स्लोप थोड़ा नीचे है, लो स्लोप है, लेस स्टीप है, तब तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लो स्पीड से मूव करेगा. और यही जो स्लोप हायर होगा तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हायर स्पीड से मूव करेगा. जैसे फिगर 5 के अंदर हमें दिखाया हुआ है ओ ए एंड ओ बी, इसमें हमें दो स्ट्रेट लाइंस दिखाई हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं. अब यहाँ ओ ए जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो लो स्पीड से मूव कर रहा है, और जो ओ बी ऑब्जेक्ट है, मतलब ओ बी जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसमें क्या पता चलेगा कि जो बी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, दैट इज़ मूविंग विद हायर स्पीड. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो स्लेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है. और जितनी हायर स्लेंट होगी उतनी हाई स्पीड होगी, जितनी लोअर स्लेंट होगी उतनी ही यहाँ पर क्या होगी, स्पीड कम होगी. फिर डिस्कस करते हैं हम इसका सेकंड केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और द चेंजिंग स्पीड. अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब अनइक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो कर्व बनेगी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगी, कर्व बनेगी. और कर्व बनेगी तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस वजह से जो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी, जो लाइन बनेगी वो हमारा क्या होगा, कर्व लाइन बनेगी. तो कर्व लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेल्स अस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और चेंजिंग स्पीड. थर्ड वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब जब वो मूव नहीं कर रहा. अब कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट चलना बंद हो जाता है, स्टॉप्स मूविंग और बिकम स्टेशनरी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट रिमेन द सेम. तो यहाँ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा जब एक ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर गया, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो क्या होगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी. अब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चल रहा है पर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब स्ट्रेट लाइन यहाँ इस तरीके से नहीं जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर थी, यहाँ जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होता है हमारा उसके क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी. तो यहाँ हम क्या फाइनली रिजल्ट देंगे, कहता है इस केस में जो स्पीड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो क्या है, जीरो है. तो यहाँ हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कहता है ऑब्जेक्ट जो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व्ड के अंदर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब जो स्पीड है वो चेंज कर रही है. और अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन में है विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तब हम क्या कहेंगे, देन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज़ स्टेशनरी.
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ साइंस के अंदर भी ग्राफ बनाते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे डिस्टेंस को, और जो हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उस अकॉर्डिंग हम अपने डिविजन्स रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वहाँ पर अपने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, और फाइनली हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट है या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है या फिर वो क्या है स्टेशनरी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। अब जैसे यहाँ सैम्पल प्रॉब्लम वन के अंदर दिया हुआ है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ हम फाइनली जब एक तरफ टाइम एक्सिस टाइम लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, और जो यूनिट्स हैं वो क्या लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 के गैप वो लेंगे, और इधर से भी जो हम डिस्टेंस की तरफ भी जो यूनिट्स लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे दैट दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड केस जो होता है हमारा, वहाँ हम क्या देख रहे हैं सैम्पल प्रॉब्लम टू में, वहाँ भी हमें क्या दी हुई है कि जो बस है वो 8 बजे स्टार्ट होती है फ्रॉम द रेस्ट एट 8 AM, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार एट वेरियस टाइम। तो डिस्टेंस दे रखी है सही 8 बजे वो 0 किलोमीटर चली, 8:30 बजे तक उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, 9 बजे तक उसने 40 किलोमीटर, 9:30 तक उसने 60 किलोमीटर, 10 o'clock तक 80 किलोमीटर। तो यहाँ हमने क्या चीज़ देखी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइमिंग भी हमें दे दिया उसने और डिस्टेंस भी दे दी। अब हम इसको प्रॉपर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ग्राफ के अंदर बनाएंगे, टाइम की तरफ टाइम डालेंगे, डिस्टेंस की तरफ डिस्टेंस डालेंगे, और हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो ग्राफ बना है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ हम फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या कहता है, कहता है दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी सीन मोर इजिली, कि उसको हम क्या कर सकते हैं बहुत ईजिली देख पाते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैन फ्रॉम द डिस्टेंस एंड टाइम वैल्यूज गिवन एट द टेबल फॉर्म। मतलब टेबल से हमें इतना करेक्ट नहीं होता, बट अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से हमें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने इस टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। दूसरी चीज़ क्या कहती है, कहता है जो टेबल में हमें डाटा दिया होता है दैट गिव्स अबाउट द इंफॉर्मेशन हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओनली एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल, बट एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी टाइम पर हम क्या कर सकते हैं उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसका पता चलता है, स्पीड का पता चलता है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, हम दो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी दो रीडिंग्स के बीच का हम मेजर कर सकते हैं, और अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देन हम इसके अलावा बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ की, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, हम लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, जो हमें क्या दिखाता है विच शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ कैन ऑल्सो बी ड्रॉन टू शो द वेरिएशन ऑफ टू रिलेटेड क्वान्टिटीज, वो क्वान्टिटी कोई भी हो उसको हम रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। कहते हैं इसी लाइन ग्राफ्स के साथ साथ कहते हैं अदर काइंड ऑफ ग्राफ भी होते हैं, कौन कौन से हैं, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ एक डायग्राम है विच शो द इंफॉर्मेशन एज बार्स, जो हमें थिन रेक्टेंगल्स और बार की फॉर्म में एट अ डिफरेंट हाइट्स हमें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कहते हैं जब पोजीशन एंड द हाइट्स ऑफ बार रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन। और बार ग्राफ होता है दैट शो द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम इन 6 ओवर्स ऑफ अ मैच। द बार ग्राफ ऑल्सो टेल्स अस दैट फर्स्ट ओवर हैज़ गिवन ओनली 1 रन, सेकेंड हैज़ ऑलरेडी 5 रन, थर्ड हैज़ ऑलरेडी 3 रन एंड फोर्थ 10 रन एंड फिफ्थ 2 रन। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि हमें जो बार ग्राफ होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर, और इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ पाई चार्ट। द पाई चार्ट इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफ और डायग्राम विच शो द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसिस ऑफ अ सर्कल,
और द होल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग एज 100%, और जो पाई चार्ट है कहता है दैट शोज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की किस तरीके से 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस 1%, जो कि हमें फिगर 11 के अंदर दिखाया हुआ है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, रीड करना है। थैंक यू।